हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल एमजी मेडिटेस में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं या फिर आप किसी महिला पार्टनर के साथ या फिर आप किसी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेबलेट एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिनका उपयोग आपको जिसकी ज़रूरत आपको कभी ना कभी किसी न किसी समय जरूर पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें पूरी जानकारी पाने के लिए, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सहेली टेबलेट के बारे में और हम जानेंगे इस दवा के यूज डोज और साइड इफेक्ट के बारे में, इस दवा के बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों सहेली टेबलेट के यूज के बारे में जानने से पहले इसके बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। जैसे कि सहेली टेबलेट सेंट्रोक्रोमैन टेबलेट साल्ट से मिलकर इस दवा को बनाया गया है, यानी कि इससे साल्ट और जो कंपोजिशन होते हैं इस दवा के जो नाम होते हैं वो सेंट्रोक्रोमैन टेबलेट होता है और सहेली टेबलेट के नाम से यह दवा बिकती है। इनमें जो सेंट्रोक्रोमैन टेबलेट होती है 30 mg होती है और इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस मात्र 25 रुपये होती है एक टेबलेट की, यानी कि 3 से 3.5 रुपये पर टेबलेट यह आपको मिलेगी। यह दवा भारत के सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी और दोस्तों एक पेटेंट एक ब्रांड मेडिसिन है, इसको इस दवा को ब्रांड कंपनी लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है और एक ब्रांड मेडिसिन है जो सहेली नाम से बिकती है और इस दवा का उपयोग महिलाओं में किया जाता है कॉन्स्टिपेटिव पिल के तौर पर, यानी कि गर्भनिरोधक स्थिति को बरकरार रखने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है महिलाओं में। दोस्तों अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं और अपने महिलाओं में गर्भनिरोधक स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस टेबलेट का यूज आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप दो बच्चों के बीच में गैप रखना चाहते हैं तब भी इस सहेली टेबलेट का यूज आप अपने पार्टनर में कर सकते हैं, अपने महिलाओं में कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी गर्लफ्रेंड या किसी महिला से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और गर्भनिरोधक स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं तब भी आप सहेली टेबलेट का यूज कर सकते हैं अपने पार्टनर में। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस दवा के डोज और खुराक के बारे में, यानी कि इस दवा का उपयोग कैसे महिला में करना होता है, किस तरह करना होता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों इस दवा का उपयोग जो होता है शुरुआत में महिला के पीरियड के दिन, यानी कि जो पीरियड का पहला दिन होता है उस दिन से ही इस टेबलेट का उपयोग महिलाओं में किया जाता है, यानी कि इस दवा को ओरल यानी कि मौखिक रूप से इस दवा का उपयोग किया जाता है। और इस दवा का उपयोग अगर महिला को पहले दिन पीरियड आता है तो उसी दिन से इस दवा का उपयोग करना शुरू होता है। लेकिन दोस्तों अगर महिला को किसी भी महिला को सोमवार को पीरियड आता है तो सोमवार से इस टेबलेट का यूज करना शुरू कर दे। सबसे पहले सोमवार को एक टेबलेट यूज करना होता है, उसके बाद में फिर बृहस्पतिवार को एक टेबलेट यूज करना होता है, यानी कि हफ्ते में 2 दिन 2 बार इस दवा का यूज करना होता है 3-3 दिन के अंतराल पर, और उसके बाद 3 महीने तक करना होता है और 3 महीने के बाद से 1 हफ्ते में 1 टेबलेट यूज करना होता है, यानी कि 4वें महीने से 1 टेबलेट अगर किसी जिस दिन पीरियड आते हैं उस दिन यूज करना होता है, उसके बाद अगले हफ्ते में उसी दिन यूज करना होता है। इस तरह से 1 हफ्ते में 1 गोली इसका यूज करना होता है, महीने में 4 गोली यूज करना होता है। उसके बाद 1 महीने में 4 टेबलेट फिर 2 महीने में 4 टेबलेट इस तरह से यूज करना होता है महिलाओं में। तो दोस्तों इसके जो डोज और खुराक होते हैं इस तरह से महिलाओं में उपयोग किया जाता है, इस तरह से उपयोग करने से महिला में गर्भनिरोधक स्थिति बरकरार रहती है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में। तो यह एक नॉन स्टेरॉयड हार्मोन टेबलेट है और इस दवा का साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखा गया है महिलाओं में। किसी किसी महिलाओं में साइड इफेक्ट की समस्या होती है, जैसे सिर दर्द की समस्या, चक्कर की समस्या या फिर पेट दर्द की समस्या होती है, थोड़े दिन के लिए होती है फिर धीरे धीरे साइड इफेक्ट की समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। दोस्तों इस दवा का उपयोग अगर अपने महिला अपने पार्टनर में करना चाहते हैं गर्भनिरोधक स्थिति को बरकरार रखने के लिए तो आप इस दवा का उपयोग डॉक्टर के देख रेख में डॉक्टर के एडवाइज पर ही करें, अपनी मर्जी से बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों मेरी बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी मेडिसिन रिलेटेड जानकारी दूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप मेरे वीडियो को तुरंत वॉच करें।